तो नहीं तूने यहाँ से? चोर नहीं है दीदी, सर्फ साबुन बेच रहे हैं। आजकल सब इसी को इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा सामान है। पता नहीं कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स तुम जैसे भिखारियों से डोर टू डोर क्यों बिकवाती है। कस्टमर का रिव्यू और एक्सपीरियंस जानने के लिए भेजते हैं दीदी। तू तो प्रेग्नेंट है ना, तुझे शर्म नहीं आती इतनी धूप में अपने बच्चे को तकलीफ देते हुए? बाप क्या करता है इसका? ओ पी के पड़ा रहता होगा ना, पाले जाते नहीं है और हर साल एक बच्चा पैदा कर देती है तुम जैसी औरतें। पहला बच्चा है दीदी, और मुझे शर्म क्यों आएगी? भीख नहीं मांग रही हूँ, काम कर रही हूँ ताकि अपने पति का साथ दे सकूँ घर के कामों में, घर के खर्चों में। और घर से बाहर काम करने से मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि वो तो और मजबूत बनेगा अपने माँ बाप की तरह। उसे पता होगा कि उसकी माँ ने उसे इस दुनिया में लाने के लिए न जाने कितने घरों की चौखटों पर गालियाँ खाई है। इसमें गलती आपकी नहीं है दीदी, गलती उन औरतों की है जो आप जैसे लोगों की ये बातें सुनकर काम करना छोड़ देती हैं और खुद को चार दीवारी में बंद कर लेती हैं। पर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ दीदी, और आप भी वो पहली नहीं है जिसने हमें चोर, भिखारी और बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या नहीं कह दिया हो। जानते हैं हम कि अभी का वक्त हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर कल को संवारने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना दीदी। हम निकलेंगे, हर रोज निकलेंगे काम पर, हर हाल में निकलेंगे दीदी। मेरे पति शराबी नहीं है, विकलांग है। रोज अपनी विकलांग गाड़ी पर वो नमकीन बिस्कुट बेचने निकलते हैं। हम दोनों तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, समाज दे ना दे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर हमारी कोशिशों को यूं गालियां तो ना दे। इतनी सी उम्मीद तो हम कर सकते हैं। रुको मैं ठंडा पानी ला देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ठंडा पानी तो हम दोनों के लिए सही नहीं है, और अभी तो हमें पूरी दोपहर ही काम करना है। कोई बात नहीं। देखो मुझे ये सामान तो नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। दीदी अभी थोड़ी देर पहले आप हमें भिखारी कह रही थी, और अब पैसा देकर भिखारन भी बनाना चाहती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? सेल्स वुमन। यहाँ वहाँ सब